तो गाइज क्या आप लोगों को पता है कि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है। लेकिन गाइज क्या आप लोगों को पता है कि डोरेमोन को अपने आप को ठीक करने का एक मौका मिला था और डोरेमोन भी बाकी के रोबोट की तरह एडवांस हो जाता, लेकिन नोबिता की वजह से डोरेमोन आज भी एक डिफेक्टिव रोबोट है। तो गाइज आखिर क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। लेकिन ये जानने से पहले डोरेमोन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर दो, और अगर शिनचैन के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ब्लू हार्ट स्पैम कर दो। तो गाइज डोरेमोन के एक स्पेशल एपिसोड में दिखाया गया था कि जिन्होंने सारे कैट रोबोट को बनाया था उसे पता चलता है कि हमसे एक रोबोट डिफेक्टिव बना है। उसको यह सोचकर बहुत ही अफसोस होता है उसका बनाया हुआ रोबोट डिफेक्टिव पीस है, और वह साइंटिस्ट डोरेमोन को पकड़कर ठीक करने ही वाला होता है। लेकिन तब तक में नोबिता आ जाता है। दरअसल डोरेमोन अगर ठीक हो जाता तो डोरेमोन का मेमोरी रिन्यू हो जाता, जिसकी वजह से वह पहले का सारा कुछ भूल जाता। डोरेमोन और नोबिता का फ्रेंडशिप देखकर साइंटिस्ट डोरेमोन को ठीक करने से मना कर देता है।